जीवन बदलने में आपका ना एक मौका था। यह भी एक वाजिब कारण है जो मैं आप सभी को बताने का प्रयास किया प्रैक्टिकल तरीके से। हम जितनी बात यहां पर करेंगे वो सब प्रैक्टिकल होगा। कैसे होगा बोलिए, बोलिए आप लोग। मैं इधर एडवाइजर नहीं हूं कि कहीं किताब उताब पढ़ के आया हूं और रिसर्च वगैरह कर लिया हूं यूट्यूब से, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं डेटा लेके ना। हम जितना बताएंगे पहले किए होंगे तभी आपको बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। हमारे बिजनेस में बताने वाला महत्वपूर्ण नहीं है, करने वाला महत्वपूर्ण है। और हमने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, वही तो बता रहा हूं मैं आपको। इसमें प्रश्न नहीं लगा सकते आप कि आप पैसा कमाएगा, यस। आप लाखों की टीम बनाएगा, यस। आप करते हो क्या, यस। आप नौकरी छोड़ेगा, यस। सब तो यस है। और खुल के हम तो अपना परिवार तक बता दिए, हम दलिदर थे, कौन बताता बड़ा होने के बाद, पूछना चाहता हूं मैं आपसे, कोई बताता है? झूठ बोलते हैं लोग। ये सच बोलने की हिम्मत किसके पास है ताकि आप सही निर्णय ले सके, इसलिए बताया जा रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं? ताकि आप सही निर्णय ले सके, कहीं से कोई दुविधा ना हो। इस बिजनेस में करना क्या है जानना चाहेंगे आप लोग, कैसे करना है और क्या करना है और कितना करना है, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पैसा कहां से आता है। पैसा सिर्फ बिक्री करने से आता है। हेलो, अगर किसी चीज का विक्रय होगा तो पैसा मिलेगा। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? विक्रय से पैसा होता है और कोई कारण नहीं है। खेती होने से पैसा नहीं आता है, होटल खुलने से पैसा नहीं आता है, टैलेंट रहने से पैसा नहीं आता, टैलेंट का विक्रय होता है। किताब लिखने से पैसा नहीं आता है, किताब बिक्रय से पैसा आता है। होटल चलने के बाद होटल सेल होने से पैसा आता है। सेल सिर्फ बिक्री से पैसा आता है। अब दुनिया में दो चीज बिक्री होती हैं, ये तो प्रोडक्ट और दूसरा सर्विस। हेलो, बोलिए आप लोग। पहला क्या बिक्री होता है और दूसरा सर्विस। सर्विस में क्या क्या आएगा? सर्विस में कोई व्यक्ति है जो सर्विस देगा, सर्विस भी सेल होता है। जैसे मान लीजिए कोई कलाकार है, कोई भी कलाकार है, ये होटल जो, ये भी एक सर्विस इंडस्ट्री है, ये भी सर्विस देके पैसा कमाते हैं लोग। कई लोग प्रोडक्ट को बेचकर पैसा कमाते हैं और कई लोग सर्विस देकर पैसा कमाते हैं। सर्विस भी कई लोग दूसरे से सर्विस दिलवाते हैं तो पैसा लेते हैं, कई लोग खुद ही सर्विस देते हैं। खुद ही सर्विस का मतलब नौकरी करना क्या है, सरकारी नौकरी क्या बोलते हैं, बोलिए आप लोग, सर्विस। तो आप खुद ही सेवा देते हैं, उस सेवा के बदले आपको पैसा मिलता है। छोटा सेवा कम पैसा, बड़ी सेवा बड़ी सेवा। बड़ा सेवा कब करने का मौका मिलेगा, ज्यादा क्वालिफिकेशन होगा। समझ में आ रहा आप सभी को? अब जैसे आपका पढ़ाई लिखाई होगा उसी हिसाब से सेवा देंगे आप। बड़ी सेवा बड़ी पैसा, छोटी सेवा छोटी पैसा। लोग सेवा देने के लिए तैयार हैं, आज के डेट में भारत में सेवा देने का मौका नहीं मिल रहा है, जिसे नौकरी नहीं मिल रही है। समझ में आ रहा आप सभी को? तो यहां से आप पैसा कमा सकते हैं, या आप अपने आप को सिंगर बना सकते हैं, कोई गायक बना सकते हैं, वहां से पैसा कमा सकते हैं, या अपने आप को आप क्रिकेटर बन सकते हैं, सौरभ गांगुली बन सकते हैं, सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं, विराट कोहली बन सकते हैं। तो अपना दाम इतना बढ़ा दिया कि लाखों करोड़ों आपको मिलेगा। एक्टर बन सकते हैं तो सेवा दे के आप पैसा कमा सकते हैं, ये सब सेल्फ करने वाला। कुमार विश्वास बन सकते हैं आप, कवि बन सकते हैं आप, मुशायरा कर सकते हैं आप, किसी प्रकार का पर्सनल कला, साहित्य, संगीत, एक्टिंग खुद का है और उसका कितना, कितनी उसकी क्वालिटी है, उस आधार पे भी लाखों करोड़ों आपको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, बोलिए। हेलो, ये हो गया सर्विस में। बहुत सारी चीजें आ गई। हम में से ज्यादा लोग क्या सर्विस में देते हैं? नौकरी। और नौकरी के छोटे लेवल पर ज्यादातर लोग सर्विस देते हैं, तो कम पैसा भी कम है। बिजनेसमैन क्या करते हैं?
सर्विस देते नहीं है, वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं। और सेल कई तरीके से कर सकते हैं, एक तो सेल्समैन बन के खुद सेल कर सकते हैं जिससे पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा। हेलो। दूसरा एक दुकान खोल के, जैसे कानपुर में एक दुकान कोई खोल के बैठा है, अगर दुकान खोल के सामान बेचेंगे तो भी ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कम बिक्री कम पैसा, ज्यादा बिक्री ज्यादा पैसा, तो दुकान से कम बिकेगा। और आजकल इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया कि ये वाला सामान नहीं बिकता है, लोग कहीं और से सामान ले ले रहे हैं, तो हो गया बेचने का। बिजनेसमैन क्या करता है, सामान ज्यादा बिके उसके लिए एक सिस्टम बनाएगा, ज्यादा सामान बिके उसके लिए एक सिस्टम बनाएगा, जेड स्क्वायर बनाएगा, एमेजन बनाएगा। कुछ समझ में आ रहा आप सभी को बात? ज्यादा बेचेगा तो ज्यादा पैसा आएगा। आम आदमी क्या करता है, नौकरी करता है, छोटी नौकरी तो कम पैसा। आम आदमी अगर बिजनेस प्रोडक्ट बेचेगा तो कम बेचेगा तो कम पैसा। हेलो। अगर हम भी ये सेवा बड़ा कर दें तो ज्यादा पैसा मिल जाएगा, लेकिन बड़ा सेवा दे नहीं पाएंगे हम, ज्यादा प्रोडक्ट हम बेच नहीं पाते क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। और बड़े बड़े टैलेंटेड धुआंधार पढ़े लिखे लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, वो अमेरिकन जितनी भी गारमेंट्स की कंपनियां हैं, जितने भी ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं, उन बड़े बड़े कंपनियों में प्रोडक्ट्स हैं और उन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए बड़े बड़े धुरंधर लगे हुए हैं। हेलो। और हमारे दुकान को चलाने वाला आदमी कुछ नहीं जानता कि इसको बेचना, बस सामान लेके बैठ गया है कि कोई तो आएगा ग्राहक, देवता अगरबत्ती को रसूल गा के जय हो, नहा धो के टीका हुआ लगा के बैठा चुपचाप इंतजार कर रहा है, अब आया अब आया अब आया, आ ही नहीं रहा कोई। हेलो, क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा ऐसा सिस्टम आ गया, रास्ते में ही टांग ले रहे हैं, उसे घर से घर ही सामान पहुंचा दे रहे हैं। ये है पैसा यहां से आएगा, ये एक जटिलता है पैसे की। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? आप सभी जोर से बोलिए हाँ समझ में आ रहा। तो ये समस्याएं हैं। तो हम आम आदमी कैसे इस सर्विस को बढ़ा सकते हैं, हम आम आदमी कैसे ज्यादा सामान बेच सकते हैं, जानना चाहेंगे आप लोग? जानना चाहेंगे तो जोर से ताली बजाओ और तुम मिटाओ भाई। कैसे आम आदमी ज्यादा बिक्री कर सकता है? बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? हेलो, समझ लेंगे तो आज ही क्लियर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सिर्फ करना रहेगा, और किसी व्यक्ति को अगर रास्ता दिखाई देता स्पष्ट हो जाए तो चल सकता है कि नहीं, जरा बताइए, इसे सब धुधलापन मिटा के जाइए। अब हम जानेंगे कि कैसे आम आदमी पैसा कमा सकता है और आज के युग में पैसा कमा सकता है, 21वीं सदी में, एकदम नया युग में आज। तो आज के युग का बिजनेस हम जानते हैं पहले कौन सा है, सबसे नया बिजनेस कौन सा है वो हम जानेंगे। आज का बिजनेस है मैन्युफैक्चरर को कंज्यूमर से मिला देने का। दुनिया में दो ही चीज होगा, प्रोडक्ट या सर्विस जो बिक्री होगा उसमें दो चीज होगा, सबसे पहला प्रोडक्ट या सर्विस को उत्पादन करने वाला, क्या करने वाला, और दूसरा प्रोडक्ट या सर्विस का उपभोग करने वाला, कंज्यूम करने वाला, मैन्युफैक्चरर या फिर कंज्यूमर। कुछ समझ में आ रही है आप सभी को? दो लोग होंगे, देने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, यूज करने वाला। तो आज के जमाना क्या है, मैन्युफैक्चरर को खरीदने वाला, कस्टमर या कंज्यूमर को मुलाकात कराने के लिए, मुलाकात कराने का बिजनेस है। आज का समय प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, आज का समय प्रोडक्ट को बनाने का नहीं है, आज का समय बनाने वाले और खाने वालों को मुलाकात करने का है। फॉर एग्जाम्पल स्विगी जोमैटो, वो क्या करेगा, रेस्टोरेंट मालिकों को और इन सभी को यूज करने वाले जो खाने के शौकीन लोग हैं कंज्यूमर को, इन दोनों को और एप पे बाजार का
बाजार लगा देता है, एक प्लेटफार्म बनाता है और इस प्लेटफार्म में लोगों को बनाता है। और एक प्लेटफार्म इस तरीके से है जैसे कानपुर में कहीं सब्जी मंडी गल्ला मंडी है कि नहीं, जरा बताइए आप लोग। तो गल्ला मंडी सब्जी मंडी कहाँ पर है, धरती पर कि आसमान पे? आज का जमाना धरती पे नहीं करने का, आसमान पे मंडी लगाने का है, क्योंकि धरती जाने के लिए समय लगेगा। तो ये हवा हवाई एक ऐप है स्विगी जोमेटो, उसी पर बेचने वाले अपना सामान बेच रहे हैं और खरीदने वाले दुनिया भर के ट्रैफिक लेकर वहां पड़े हुए हैं। हेलो, ऑनलाइन बाजार का अड्डा है, वहां पे अनलिमिटेड आ सकते हैं लोग। फायदा क्या है कि गल्ला मंडी जाने में बड़ा समय लगेगा हमको, सामान ले जाने में भी खरीदने में, ऑनलाइन वाला जो अड्डा है घर बैठे ही बाजार कर लो और घर बैठे ही सामान गल्ला मंडी में बेच दो। तो ये एक बाजार लगाता है स्विगी वाला कि ये रेस्टोरेंट एक खाना बनाते हैं और ये खाना खाते हैं, दोनों लोगों को मुलाकात कर दिया। तो फायदा क्या हुआ, बेचने वाले का भी जीवन आसान कर दिया, खाने वाले का भी जीवन आसान कर दिया। और यही सर्विस दे के जोमेटो स्विगी वाले उन्हें खाना बनाता है ना, बेचता है ना, खाता बीच में, लेकिन भाई साहब करोड़पति बन गया। हेलो, कुछ समझ में आया तो ताली बजनी चाहिए। ओला, ओला गाड़ी बनाने वाले, गाड़ी खरीदने वाले कार मालिकों को मुलाकात कर दिया ओला पर, और कार में बैठने वाले यात्रियों को और इन दोनों को मुलाकात कर दिया, तो बन गया ओला। न कार उसका है न कार बन गया, और ज्यादा दिन नहीं हुआ आपके आंखों के सामने बना है। हेलो, क्या और का किया है, सबको जोड़ दिया है। और अमेजन वाला क्या किया है, अमेजन जितने दुनिया में सामान लेके मेरे अड्डे पर आओ, रजिस्टर करो, और इतने दुनिया में कंज्यूमर सबको कहा हमारा ऐप लोड करो, तो लोग सामान खरीदते ही सामान बेचता है न, वो सामान बेचता है न बनाता है, वो बेचने वाले खरीदने वालों मुलाकात करवाता है। और अमेजन का मालिक 180 बिलियन डॉलर के साथ वर्ल्ड का सेकेंड सबसे रईस आदमी है।